नमस्कार। नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आप सभी को आपके सपने पूरे करने का मौका दे। भगवान आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, सफलता की ऊंचाइयां छुएं आप सभी। और मैं आपका इस पहले 2021 के वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने बहुत सालों ने मेरे छोटे से YouTube चैनल को आपने सराहा, बहुतों ने सब्सक्राइब किया, बहुतों ने अच्छे अच्छे प्रतिक्रियाएं भी दी, कईयों ने सजेशंस भी दी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर किसी ने नहीं भी किया है तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन रहेगा कि वे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें फिजिक्स से रिलेटेड 9 से लेकर प्लस 2 के मैक्सिमम टॉपिक्स के वीडियोस हैं, जितने पॉसिबल हो सकते थे। मेरा ये मानना है कि एक जो क्लासरूम की जो चीज़ें होती हैं, जो क्लासरूम की जो स्टडी होती है, टीचिंग होती है, मेरे हिसाब से ये जो वीडियो के थ्रू या ऑनलाइन इतना उसका मतलब बराबरी नहीं है, ये बोल सकते। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक स्टूडेंट का इंट्रैक्शन ना हो तब तक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कम्प्लीट नहीं होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता था, हमें हर हाल में हर सिचुएशन में सीखना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन ही कुछ ऐसी थी कि हमें ये नया जो तरीका है पढ़ाई का, ये करना पड़ रहा है। अब 2020 में जो चीज़ें हमने की, जो चीज़ हमने सीखी, वो शायद ही कभी किसी ने जीवन में कभी सोचा था होगा या उसने वो चीज़ें की थी होगी, ठीक है। तो मुझे तो ये लगा कि अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करें, अगर हम अपनी प्रकृति के प्रति इनसेंसिटिव हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हमें सेंसिटिव रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का बोलते हैं ना, जो असर है, प्रभाव है, वो बहुत साइलेंट रहता है। और ये जो शायद ये चीज़ें हुई, ये भी इसी कारण है कि ह्यूमन बींग ने अपने आप को सुपर पावर मान लिया, सोचा कि सब कुछ हम कर सकते हैं और जो करते हैं वो ठीक है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। तभी तो इस तरह की चीज़ें हमें ये एक्सपीरियंस रहा। ये पूरा साल 2020 निकल गया, ठीक है, पता भी नहीं चला कब आया और कब चला गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारी यादें ऐसी दे गया, आप बुरी यादें भी बोल सकते हैं, आप अच्छी भी बोल सकते हो। अगर आप नेगेटिव में सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें हुई जो होनी नहीं चाहिए थी, जिसकी वजह से हर एक आदमी का बहुत नुकसान भी हुआ। मुझे लगता है कि जो थोड़े से जो डेली बेसिस पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते व्यक्ति, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस उससे हुआ है, क्लियर है। लेकिन हमने इसे सीखा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एज ए टीचर मुझे भी लगा कि जो चीज़ें हमने इस साल की, ऑनलाइन किया, वीडियो चैनल बनाया, ऑनलाइन क्लासेस लगाई, बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारे सेमिनार्स इसमें अटेंड किए, तो ये भी एक हमारे लिए एक सीखने की नई एक थी, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी थी, नई चीज़ सीखी हम सब ने, ठीक है। तो वो हमें सीखने का मौका मिला। अगर ये चीज़ें ना होती तो शायद हम ये चीज़ें ना कर पाते, क्लियर है। तो हर चीज़ हमको सीखना चाहिए। अब जो चीज़ है उसे तो फेस करना ही पड़ेगा। तो हमने उस चीज़ों को अच्छे ढंग से फेस किया या बुरे ढंग से फेस किया, ये 2020 में चला गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने नई चीज़ सीखी, नई उम्मीद के साथ 2021 में आए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस साल आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, नए इस जोश के साथ अपना जो आपका पढ़ाई का सेशन है उसे कंटिन्यू करें। हो सकता है कि आगे आप अभी तक इतना फाइनल नहीं हुआ है कि कब तक कौन सी चीज़ें होंगी, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, किस तरह से होंगे, आगे क्या होने वाला है। पर मेरे मानना ये है कि आप घर रह के कोशिश करते रहें, जो भी सुविधाएं आपके पास हैं, जो भी साधन है, उसे ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करें। अगर आप सभी बच्चे ईमानदारी से इसे इम्प्लीमेंट करते तो किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस टेक्नोलॉजी का गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, पेरेंट्स से फ़ोन ले रहे हैं, उस पर गेम्स खेलते हैं, पेरेंट्स को मना करते हैं, और पेरेंट्स भी मुझे लगता है कि बार बार टोक टोक के बोल बोल के थक गए हैं, ठीक है। सभी ये उम्मीद लगाए बैठे कि अब स्कूल लगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा भी मानना है कि स्कूल आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें भी बहुत इरिटेशन होती है जब आप वीडियो बना के डालें और बच्चे उस वीडियो को ना देखें, होमवर्क के लिए बोलें कि होमवर्क चेक कराओ, होमवर्क जो चेक नहीं करवाते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें, ऑनलाइन हम टेस्ट लें उसमें चीटिंग करके कर रहे हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। तो बहुत इरिटेशन होती है अगर कोई मेहनत करके कोई काम करे और उसका रिस्पांस इस तरह से गंदा है, तो वो थोड़ा सा बुरा रहता है, ठीक है। तो अब मैं चाहूँगा कि जो गलतियाँ हो गई उसे छोड़ दीजिए, अब आप अच्छा करें, डेली का डेली अपना पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाएं और उसमें जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं उसे कवर करें। बहुत दिन अभी है और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी कस्टडी में ही, अपने गाइडलाइन के अंडर ही बच्चों को फ़ोन दें, अदरवाइज़ बच्चों को फ़ोन बिल्कुल भी ना दें।
क्लियर है, आप शुरू से पढ़ना शुरू करें, आप वीडियोस हैं बार बार उनको देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपने डाउट्स के लिए बात कर सकते हैं। ऑनलाइन जब क्लास लगाई जाए तो ऑनलाइन में कोशिश करें कि मैक्सिमम बच्चे उसमें आए। बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर दिन को जब स्कूल से लाइव क्लास लगती है हम बिजी होते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करें, थोड़ा सा मैनेज करें, ताकि आपके बच्चों का जो नुकसान हो चुका है उसे थोड़ा सा कवर किया जा सके। ठीक है, आपकी जो डेली लाइव क्लास लगेगी उसमें आप मैक्सिमम अपनी पार्टिसिपेशन दें, उसमें नया जो रूटीन में चला है वो चलता रहेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाउट्स हैं, आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। पेरेंट्स भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पेरेंट्स भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, टीचर से डायरेक्ट बात करते रहेंगे तो काफ़ी हद तक जो नुकसान हुआ है उसे हम कवर कर सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि आप नए सिरे से, नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी के साथ चलें, आपको करने का, समझने का बहुत मज़ा आएगा। तो होपफुली आप इस साल अच्छा करेंगे। आप सभी को एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।